हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबोर्ड। बीबोर्ड की इस ऐप में आपका स्वागत है। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, फर्स्ट ऑफ दिसंबर से लेके 7th ऑफ दिसंबर तक के। ये है पार्ट वन। फ्रेंड्स बीबोर्ड के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, जिसे कि आप बहुत ही इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप करें हमारे इस मोबाइल नंबर पर, ताकि आपको फ्री स्टडी मटेरियल और जॉब अपडेट्स मिल सकें। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ मैनी मोर स्टेट्स हैव अचीव्ड 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य रिसेंटली? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 8। टोटल 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन है। 8 मोर स्टेट्स हैव अचीव्ड 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना। द स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। टोटल ये 8 स्टेट्स हैं और 15 स्टेट्स और हैं जहां पे 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। अकॉर्डिंग टू द पावर मिनिस्टर आर के सिंह, द गवर्नमेंट इज होपफुल ऑफ अचीविंग द सेम फॉर एवरी हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री बाय दिसंबर एंड। क्वेश्चन नंबर टू, द मिलिट्रीज ऑफ डैश एंड इंडिया सेट टू होल्ड अ जॉइंट 14-day ड्रिल हैंड इन हैंड इन साउथ वेस्ट चाइनाज चेंगडू सिटी टू इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटीज इन फाइटिंग टेररिज्म एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, चाइना। द मिलिट्री ऑफ चाइना एंड इंडिया सेट टू होल्ड अ जॉइंट 14-day ड्रिल हैंड इन हैंड इन साउथ वेस्ट चाइना चेंगडू सिटी टू इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटीज इन फाइटिंग टेररिज्म एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ईच साइड विल सेंड 100 ट्रूप्स टेक पार्ट इन 7th इंडिया एंड चाइना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विच विल फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। डिफेंस मिनिस्टर स्पोक्समैन कर्नल रेन ग्वांगजूम स्टेटेड इन मीडिया ब्रीफिंग, द एक्सरसाइजेस विल बी हेल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 1 year एज बोथ द साइट्स वर लॉक्ड इन अ 73-day स्टैंड ऑफ इन डोकलाम इन द सिक्किम सेक्टर ऑफ द बॉर्डर इन 2017। क्वेश्चन नंबर थ्री, एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया आर सेट टू पार्टिसिपेट इन 12-day जॉइंट एक्सरसाइज कोप इंडिया 2019 एट 2 एयरफोर्स स्टेशन इन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। Airforce of United States and India are set to participate in 12-day joint exercise COPE India 2019 at 2 Air Force stations in West Bengal. The exercise will be held from December 3 to 14 at Air Station Kalaikunda and Air Station Arjan Singh, Panagrah. Question number 4, the theme of the World AIDS Day 2018 is, and correct option is option D, Know Your Status. World AIDS Day is designated on 1st of December every year since 1988. The theme of World AIDS Day 2018 is Know Your Status. Question number 5, who has been conferred the sport's highest honor for his outstanding service as chairman of International Shooting Sports Federation Athletes Committee? And correct option is option 5, Abhinav Bindra. India's Olympic and world champion shooter Abhinav Bindra has been conferred the sport's highest honor for his outstanding service as chairman of International Shooting Sports Federation Athletics Committee.
Question number 6. The Asia Pacific Summit 2018 began in which city? Correct option is option D, Kathmandu. The Asia Pacific Summit 2018 began in Kathmandu, the capital of Nepal. The theme of two-day summit is addressing the critical changes of our time, independence, mutual prosperity, and universal values. Around 1500 participants from 45 countries, including India, attended the summit. They will discuss various global issues, including peace, development, good governance, and role of parliamentarians, climate change, and role of media. Question number 7. What is the theme of Asia Pacific Summit 2018? And correct option is option B, addressing the critical challenges of our time, interdependence, mutual prosperity, and universal values. The Asia Pacific Summit 2018 began in Kathmandu, the capital of Nepal. The theme of two-day summit is addressing the critical challenges of our time, independence, mutual prosperity, and universal values. Question number 8. The G20 Summit 2018 was held in, and correct option is option A, it was held in Argentina. The G20 Summit 2018 was held in Buenos Aires, Argentina. G20 is grouping of world 20 major economies. This year, the theme of summit was building consensus for fair and sustainable development. Question number 9. Who has been appointed as Managing Director and Chief Executive Officer of Bank of Maharashtra? And correct option is option D, A.S. Rajiv. State-owned Bank of Maharashtra announced that A.S. Rajiv has joined the lender as its Managing Director and Chief Executive Officer. Prior to this, he was the Executive Director of Indian Bank. Who among the following was recently awarded by the People for Ethical Treatment of Animals, PETA India? And correct option is option E, Imran Hussain. Delhi Minister of Food Supply, Environment and Forest and Election, Imran Hussain, was awarded by People for Ethical Treatment of Animals, PETA India, for banning the Chinese manja or the glass coated kids strings across Delhi. Question number 11. Who won Tata Motors Senior Women National Wrestling Championship in 62 kilogram category? And correct option is option A, Vinisha Fogat. Indian star wrestler Vinisha Fogat and Sakshi Malik successfully emerged champion in 57 kg and 62 kg title respectively in Tata Motors Senior Women's National Championship. Sakshi put up a confident show to win the title in 62 kg without losing a single point. Question number 12. What is the current reverse repo rate under the LAF after fifth monetary policy committee meeting? And correct option is option E, 6.25. The Reserve Bank of India has kept the policy repo rate under the Liquidity Adjustment Facility LAF unchanged at 6.5%. Consequently, the reverse repo rate under LAF remained at 6.25% and the marginal standing facility MSF rate and the bank rate at 6.75%.
क्वेश्चन नंबर 13, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज बोगीबेल ब्रिज ऑन दिसंबर 25. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 4.94 किलोमीटर्स. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द बोगीबेल ऑन दिसंबर 25. इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज कनेक्टिंग द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र फॉलिंग इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश. द ब्रिज इज 4.94 किलोमीटर लॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 5th ऑफ दिसंबर. वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 5th ऑफ दिसंबर एट द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस FAO हेडक्वार्टर इन रोम. द रीजनल ऑफिस एंड थ्रू नेशन एंड लोकल इवेंट हैशटैग स्टॉप सॉइल पॉल्यूशन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्ल्ड सॉइल डे ऑन 5 दिसंबर एंड थ्रू आउट द ईयर. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज हैवीएस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल सैटेलाइट विच वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड रिसेंटली. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी GSAT 11. इंडियाज हैवीएस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल सैटेलाइट GSAT 11 वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय एन एराइन स्पेस रॉकेट फ्रॉम द फ्रेंच गुयाना. फ्रेंड्स, BBoard ऐप के नाम से हमारा YouTube चैनल है जिसमें हम बैंक SSC व्यापम CTT संविदा और रेलवे के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं. आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. साथ ही साथ आप हमारे हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा. थैंक यू.